हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिहारी अदौड़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं चना दाल से अदौड़ी की रेसिपी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ 2.5 किलो चना दाल की बेसन ली है। आप चाहे तो मटर दाल का भी ले सकते हो बेसन को, और 1 चम्मच हींग लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को जैसे हम पकोड़े के लिए तैयार करते हैं उस तरह से मिला लेंगे। हींग में थोड़ा सा पानी डालकर उसे छोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बेसन को हम इस तरह से मिला लिए हैं। इस तरह से मिलाने के बाद हमने जो हींग में पानी डाले थे, वो हींग को हम इसी में डाल देंगे बेसन में, और इसे तब तक फेंटेंगे जब तक हाथों से लगे कि बेसन हल्का हो गया है, तब तक फेंटेंगे। तो चलिए अब हम आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं। एक कटोरी में हमने पानी ले लिए हैं, इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के इस तरह से देखेंगे। अगर ये अदौड़ी का बेसन ऊपर आ जाए तो आप समझिए कि ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो ये देखिए तैयार हो गया है। हम छत में डाले हैं धूप में एक कपड़ा पे हम डाल दिए हैं। इस तरह से हम अदौड़ी को बनाते जाएंगे। आप हाथों में थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इस अदौड़ी को बनाते जाइए। आप इसे 2 साल तक स्टोर कर सकते हो। सेम यही प्रोसेस से हम ढेर सारा अदौड़ी को घोट लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, ये देखिए मैंने ढेर सारा अदौड़ी को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम 2 दिन तक धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। 2 दिन सूखने के बाद इसे अब हम हटा लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ढेर सारा अदौड़ी बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही आपके साथ हम अदौड़ी की सब्जी भी शेयर करेंगे। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।